विश्व के कई देशों ने भारत की ऐतिहासिक इमारतों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी अब तक कामयाबी नहीं मिली। ऐसी ही ऐतिहासिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लक्ष्मण मंदिर एमपी के खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 930 ईस्वी में यशो वर्मन नाम के राजा ने करवाया था। आपको बता दें कि इस राजा का एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसलिए ये मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेकिन आप इसके नाम से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नाम तो लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को पंचायतन शैली में बनाया गया है, जो खजुराहो में अब तक के प्राप्त सभी मंदिरों में सबसे सुरक्षित स्थिति में है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए मथुरा से 16,000 शिल्पकारों को बुलाया गया था और ये मंदिर लगभग 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। लक्ष्मण मंदिर बनने के बाद विश्वनाथ मंदिर लगभग 1002 ईस्वी में महाराजा धंग देव वर्मन ने बनवाया था। ये मंदिर श्री लक्ष्मण मंदिर के समान ही पंचायतन शैली का बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में केवल 2 उपमंदिर उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम कोनों में ही स्थित है। बाकी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम कोनों के उपमंदिर अब टूट चुके हैं। मंदिर के चारों कोनों पर 4 खुंडरा मंदिर बने हुए हैं। इसके ठीक सामने विष्णु के वाहन गरुड़ के लिए भी एक मंदिर था, लेकिन गरुड़ की प्रतिमा अब लुप्त हो गई है। वर्तमान में इस छोटे से मंदिर को देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण मंदिर से ही प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल वंश की 7वीं पीढ़ी में हुए लक्ष्म वर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले खजुराहो में बैकुंठ विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इससे पता चलता है कि ये मंदिर 930 से 950 के मध्य बना होगा, क्योंकि राजा लक्ष्म वर्मा की 954 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। शिल्प और वास्तुकला की दृष्टि से लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। इसके अर्धमंडप, मंडप और महामंडप की छतें स्तूप के आकार की हैं, जिसमें शिखरों का अभाव है। इस मंदिर छतों की विशेषताएं सबसे अलग हैं, जो हम आपको बताएंगे। इसके मंडप और महामंडप की छतों के पीछे छज्जानुमा आकृति है। महामंडप की छत के पीछे के सिरों का अलंकरण छोटे छोटे नागों की लघु आकृतियों से किया गया है। मंडप की छत पर लटकी हुई पत्रावली के साथ कलश है। इस मंदिर के साथ मंडप और महामंडप की छतें स्तूपाकार है। इस मंदिर की मूर्तियों की शोभा शैली गुप्त शैली से प्रभावित है। मंदिर के कुछ स्तंभों पर बेलबूटों का उत्कृष्ट अलंकार है। मंदिर के तोरण द्वार पर योद्धाओं को बड़ी कुशलता से अंकित किया गया है। इसके साथ ही इस मंदिर में अलग अलग तरह की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इस मंदिर के निचले भाग के केंद्र में लक्ष्मी की प्रतिमा है। इसके दोनों सिरों के एक ओर ब्राह्मण और दूसरी ओर शिव की प्रतिमा अंकित की गई है। इसमें राहु की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। इसके द्वार शाखाओं पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का अंकन हुआ है। गर्भगृह में विष्णु की त्रिमुख मूर्ति स्थापित है।